हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपके बताने जा रहा हूँ पीपल काउंटिंग कैमरा क्या होता है और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, सो डैट कि इसका पर्पस जो है, जो लोगों को काउंट करना है, तो उससे हम इस चीज़ों को हम रिजॉल्व करते हैं जो भी इशू है। जैसे मॉल्स वगैरह हो गए हैं, जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए हैं, ठीक है, या फिर भीड़ भाड़ वाला इलाके, वैसे जगह है जहाँ पे लोगों को काउंट करना होता है, या डेटा एनालिसिस निकालने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं इसको, कि कितने लोग हमारे डिपार्टमेंट में अंदर आए हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कितने लोग आउट हुए हैं, तो उस हिसाब से आप बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी में जो मैंने मॉडल लिया है वो ये मॉडल है आपका CP-VNC V41ZR3, ठीक है, -VMD। सो ये मॉडल 4 मेगापिक्सल का कैमरा है और ISO 265 कैमरा है, ठीक है। इसे इंस्टॉलेशन मैं कहाँ पे किया हूँ मैं बाद में दिखाऊंगा, पर पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसका लॉगिन वगैरह कैसे करना है। सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, जैसे हम पहले लॉगिन करते हैं नॉर्मल आईपी कैमरा, वैसे ही आईपी कैमरा इसको भी हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। इसका भी मैंने आईपी बनाया है 192.168.1.6। बाई डिफ़ॉल्ट ये आपका रहेगा 192.168.250, ठीक है। तो फिर वैसा आपका ऐसा पेजेस आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है, उसको आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है, ये आपके सामने ऐसा पेजेस खुल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इसे कॉन्फ़िगर कर रखा है, सो ये आपको दिखा रहा है कि एंट्री इतना हुआ है, एग्ज़िट इतना हुआ है, ठीक है। ये कैसे इनेबल करना है, कैसे डिसेबल, कैसे सेटिंग करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सेटअप में जाएंगे, ठीक है। सेटअप में जाने के बाद ऐसा बैकग्राउंड खुलेगा आपका, उसके बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे इंटेलिजेंट में। इंटेलिजेंट में क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा स्मार्ट सेटिंग और एडवांस सेटिंग। स्मार्ट सेटिंग में आप जाएंगे, फिर यहाँ पर जित दिखिए, यहाँ पर सारे फीचर्स है आपका, ये कैमरे का और क्या क्या फीचर्स है। फेस डिटेक्शन में काम करेगा आपका, डिफोकस है तब भी वो काम करेगा, लाइन क्रॉसिंग है तब भी वो काम करेगा, इंट्रूशन है तब भी काम करेगा, सीन चेंजेस है तब भी वो काम करेगा, और पीपल काउंटिंग भी काम करेगा, ठीक है। अब सीन चेंजेस क्या होता है, ठीक है, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ऑप्शन कि हाँ सर सीन चेंजेस क्या होता है, वो किस टाइप का कैमरा होता है, या इंट्रूजन कैमरा क्या है, लाइन क्रॉसिंग क्या है, तो मैं आपको कमेंट के थ्रू आपको बता दूंगा। सबसे पहले करना क्या है यहाँ पर, इसको सबसे पहले आपको यह ऐसे बाई डिफ़ॉल्ट ये ऐसे रहता है, इसको आप इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेटिंग का सिंबल है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये ऐसा खुल जाएगा। ये मैंने जो आप देख रहे हैं आप, ये येलो रंग का, ये मैंने अभी बनाया है, आपको इसी टाइप का बनाना है आपको। और ये देखिए बिल्कुल हेड पे ये फोकस कर रहा है, तो आपको जो कैमरा लगाना है ये बिल्कुल हेड पे ही फोकस करें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप ड्रॉ करना चाहते हैं एंट्रेंस एरिया, तो ये आपको सीधे यहाँ आ जाएगा, जिधर आप घुमाना चाहते हैं, इधर नहीं इधर, या इधर या इधर, जिधर भी घुमाना चाहते हैं, वो उस हिसाब से आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इधर रखा है क्योंकि हमारा गेट उस साइड में है और एंट्री इधर से हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ डिटेक्शन एरिया, तो ये डिटेक्शन एरिया है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और ये बड़ा हो जाए तो और ये बड़ा हो जाएगा, जैसा चाहते हो वैसा आप बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका रेट मार्किंग मार्किंग की लाइन है, ये रेड मार्किंग, बंदा कोई अगर इधर से इंटर करता है और जब तक ये रेड लाइट क्रॉस नहीं करता है तब तक ये काउंट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद ये सेट करने के बाद यहाँ इनेबल कर दीजिएगा इसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नीचे आपका ऑप्शन है सेव का, ये से पैरामीटर सेट सक्सेसफुली हो गया है यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करना है आपको, जो वहाँ पर ये तो आपने बना दिया, और आपको दिखेगा कैसे, जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है एंट्री और एग्जिट, तो आप सेटअप में दोबारा से जाएंगे, यहाँ जनरल का ऑप्शन है, जनरल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए OSD है, OSD मेनू, उसको ओपन कीजिएगा, ये कैमरे का OSD मेनू है, और यहाँ पर आपका दिख रहा है आपका पीपल काउंटिंग। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिए, अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे देखिए ढेर सारा आपका आ गया, डेट एंड टाइम, सीरियल, पीपल काउंटिंग है, ठीक है,
पीपल काउंटिंग मैंने सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको टिक मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। और इसे आप बाहर चले जाइएगा तो आपको ये दिखने लगेगा। अब उसके बाद आप कोई बंदा का इधर से इधर आएगा तो आपका ये काउंट बढ़ेगा एंट्री। अगर वही बंदा इधर से उधर जाता है, ये जो मैंने सर्किल बनाया था ये यहाँ देखिए, तो आपको ये काउंट वन करेगा एग्जिट में। ये चीज़ आपको यहाँ दिखेगी, ये अभी जैसे ये बंदा यहाँ से आ गया है तो वो काउंट करेगा वन। कोई बंदा उधर से इधर आएगा तो काउंट करेगा वन। यहाँ पर आपका वैरी करते रहेगा। फोकस क्या है आपका? पीपल काउंटिंग है। ओवर अगर पूरा हिसाब बड़ा करके दिखाइएगा तो फोकस नहीं करेगा, ठीक है। ये सिर्फ हेड और शोल्डर के बेसिस पे ही काउंट करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा लगता कहाँ पर है, यार मैंने लगाया कहाँ पर है। ये मैंने बिल्कुल सेविंग में काउंट किया है अभी, ठीक है, और बिल्कुल हम सीध में इसके खड़े हैं। और ये कैमरा आपका POE है, सो अप टू 90 मीटर इट विल वर्क ओवर द POE नेटवर्क कैमरा। जैसा कि आपने मैंने दिखाया कि इंस्टॉलेशन कैसा है, ठीक है। तो ये था, ये POE जैसे मैंने बताया को POE, इसको मैंने डायरेक्टली POE स्विचेस से कनेक्ट कर रखा है और सेम वाईफाई से मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, इसलिए प्रॉपर आप एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर कमेंट जरूर कीजिएगा कि और क्या क्या आपको चाहिए, इसमें क्या क्या परेशानी हो रही है, इसमें कमेंट कीजिएगा तो भी प्रॉब्लम का इशूज़ पता लगेगा, अदरवाइज़ नहीं पता लग पाता है। थैंक यू।